स्वामी श्री राजदास जी महाराज बचपन से ही बाल स्नेही रहे हैं। कालिम्पोंग से गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज से आशीर्वाद लेकर श्री दयाल दास जी महाराज ने हरियाणा के हिसार स्थित कैमरी गांव में बालक राजदास को लाकर एक छोटा सा बाल आश्रम खोला। उनका लालन पालन तथा भौतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा दी गई। हर प्रकार के संस्कार से संस्कारित होकर बालक राजदास बाल सेवा आश्रम के संचालक स्वामी राजदास जी महाराज के रूप में समाज को प्राप्त हुए। स्वामी राजदास जी महाराज कैमरी हिसार में पिछले 40 वर्ष से श्री कृष्ण प्रणामी बाल सेवा आश्रम में कई अनाथ बच्चों का लालन पालन और संस्कारित शिक्षा दे रहे हैं। और साथ में वृद्धाश्रम, अनाथ और असहाय की विवाह, गौशाला, चैरिटेबल हॉस्पिटल का भी संचालन कर रहे हैं। आइए ऐसे असहायों के सहारे स्वामी श्री राजदास जी महाराज के मुखारविंद से महामती प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी वर्ष के परिवेश में श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवत कथा। ज्ञान होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को कि हम संसार में क्यों आए हैं, कहां से आए हैं, और जब संसार में हमारा समय पूरा हो जाएगा तो हमें जाना कहां है। एक प्यास जगनी चाहिए हमारे अंदर, लेकिन ये जीव है ना, विषय वासनाओं में, माया में इतना जकड़ा हुआ है कि इतना सोचने का समय ही नहीं मिलता। आज इस भौतिकवाद के इस युग में ना, इतना सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। हमें तो केवल सांसारिक बातें याद रहती है, लेकिन ध्यान देना, जो ज्ञान मार्गी है, जिसको ज्ञान प्राप्त करना है ना, वो अवश्य मन में सोचता है। हमारे प्रणामी धर्माचार्य, हमारे प्रणामी संप्रदाय के पहले सद्गुरु हुए हैं निजानंद स्वामी श्री देवचंद जी महाराज। जब केवल मात्र 11 साल के थे, उनके मन में एक इच्छा हुई, मैं कौन, कहां से आया, मेरा घर कहां है, और मेरा वो परमात्मा कौन है, कहां रहता है। ये केवल 11 साल की उम्र में उनके मन में इस तरह के विचार उठने लगते हैं कि मैं कौन हूं। ध्यान देना, 11 साल की उम्र में निजानंद स्वामी के मन में ये विचार उठने लग गए कि मैं कौन। अब बच्चे के मन में मैं कौन ये प्रश्न उठे हैं, तो बच्चा सबसे पहले किससे पूछेगा, अपने माता पिता से, अपने माँ से, अपने पिता से पूछा। माँ से पूछा, माँ मैं कौन हूं, तो माँ ने क्या जवाब दिया, तू मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ। माँ और क्या जवाब देगी, क्योंकि माँ इतने गहरे विषय को थोड़ी जानती थी। पिता से पूछा, पिताजी मैं कौन, कहां से आया और मुझे जाना कहां है, तो पिता ने भी यही जवाब दिया, बेटा तू मेरा बेटा देवचंद्र है और तुझे कहीं नहीं जाना है, बेटा हमेशा मेरे साथ ही रहना है, कहीं नहीं जाना। लेकिन देवचंद जी के मन से वो ज्ञान की प्यास खत्म नहीं हुई, और देवचंद जी महाराज का ये छोटा सा जो ज्ञान, जो बीज रूप में अपन के हृदय में उत्पन्न हुआ, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन्हीं सतगुरु देवचंद जी महाराज ने 14 साल तक श्रीमद् भागवत कथा सुनी और तब उनको ज्ञान मिला। तीन तरह का ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। बोलो कृष्ण का नहीं या लाल। भागवत का जो दूसरा अक्षर है वो है ग। ग का मतलब है ज्ञान। और माता बहनों भाइयों,
भागवत का जो तीसरा अक्षर है वह है वा। वा का मतलब वैराग्य, वा का मतलब है वैराग्य। एक होता राग और एक होता वैराग। राग का मतलब होता है संसार के प्रति हमारा जो मोह है उसका नाम है राग। राग का मतलब है ये मेरा है ये तेरा है। जब इंसान के मन में राग आता है ना, आपने शब्द सुना होगा ईर्ष्या राग द्वेष, सुना है ना? मैं उस राग की बात कर रहा हूं। जब इंसान के मन में राग आता है ना, ये तेरा है ये मेरा है, ये मेरी जाति का है ये दूसरी जाति का है, ये भावनाएं आती है। और जब इंसान के मन से राग खत्म हो जाता है तो पूरा संसार ही मेरा है, और नहीं है तो कोई भी मेरा नहीं है। अपना पराया सब कुछ मिट जाता है जब जीवन में वैराग आ जाए। राग का उल्टा क्या होता है? वैराग। जब अंदर से अपना पराया छूट जाए, तेरा मेरा छूट जाए, उसका और अपना सब छूट जाए, उसका नाम है वैराग। फिर मन में क्या आता है? है तो सब कोई मेरा है, यदि नहीं है तो कोई भी मेरा नहीं है, इसका नाम है वैराग। और आज इंसान दुखी क्यों है पता है? ये जो राग है ना, अपना पराया तेरा मेरा, ये सबसे ज्यादा खतरनाक। भागवत कथा सुनने से जीवन में वैराग्य की प्राप्ति होती है, सभी से प्रेम हो जाता है। फिर प्रेम एक जने से, दो जने से या अपने परिवार मात्र से नहीं होता है, फिर प्रेम सभी से हो जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म मजहब और पंथ का हो, सभी से प्रेम हो जाता है जब जीवन में वैराग्य आ जाए। किसी किसी को वैराग्य की प्राप्ति होती है, और जिसको वैराग्य आ गया वो व्यक्ति महान बन जाता है। जब बिल्कुल जाति पाति की दीवार छट जाए, धर्म मजहब पंथ संप्रदाय की दीवारें जब गिर जाती है, तब जीवन में वैराग्य फलीभूत होता है। तो भागवत कथा सुनने से माताओं बहनों भाइयों वैराग्य आता है। और भागवत का चौथा अक्षर कौन सा है? त। त का मतलब है त्याग, त का मतलब है छोड़ना। अब प्रश्न उठता है हमें क्या छोड़ना चाहिए? कई लोग खाना छोड़ देते हैं, मैं कहता हूं मत छोड़ना। कई लोग कपड़े पहनना छोड़ देते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है कपड़े छोड़ने की। कई लोग घर परिवार छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, वो भी छोड़ने की चीज नहीं है, त्याग उसका नाम नहीं है। और कई लोग क्या त्याग देते हैं? कई लोग हरिद्वार जाते हैं पहली बार गंगा स्नान करने के लिए, तो सुनकर जाते हैं कि कोई ना कोई चीज छोड़कर आनी होती है, तो कई लोग क्या छोड़ के आते हैं? पेठे की सब्जी छोड़कर आते हैं, तो बैगन की सब्जी छोड़कर आते हैं, जो अच्छी नहीं लगती वो चीज छोड़कर आते हैं, जो पहले से ही अच्छी नहीं लगती उस चीज को छोड़ना कोई छोड़ना नहीं है। त्याग उसको कहते हैं जो सबसे प्यारी चीज हो और जो गंदी चीज हो उसको छोड़ना, वो सबसे बड़ा त्याग। हमें क्या त्यागना है? आपको यदि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो गुस्सा त्यागना है। अंतर के दुर्गुणों का त्याग करना ही वास्तव में त्याग है। बाहर की चीजों को त्यागना त्याग नहीं है, ये तो एक दिन अपने आप छूट जाएगा। त्याग किसे कहते हैं? अंतर के दुर्गुणों का परित्याग करना, अंतर के दुर्गुणों को छोड़ देने का नाम ही वास्तव में सच्चा त्याग है। आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो गुस्सा छोड़ देना। कौन कौन छोड़ेगा गुस्सा? वाह, आप तो बड़े अच्छे हैं।
कई कई बार हम बिना बात की बकवास करते रहते बेवजह, हम न जाने कितना सारा बोलते रहते बेवजह, तो फालतू की बकवास त्यागना है। कौन कौन त्यागेगा? वाह आप तो बड़े अच्छे। कभी कभी हमें किसी किसी की चुगली करने का मन होता है, इधर से उधर लगाने का और इधर से उधर लगाने का, ये कौन कौन त्यागेगा? माताओं में ज्यादा बीमारी होती है तो चुगली चांटी वाली। मैं हमेशा कहता हूं माताओं, एक चीज आप त्याग दोगे ना तो आप तो घर में बैठी हुई देवी है, साक्षात देवी है, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं भाइयों को। तो और क्या चीज त्यागना है माताओं को? सबसे पहले चुगली चांटी त्याग दोगे ना तो आप घर में बैठी देवी है, फिर तो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। गुस्सा त्यागना है, तेरी मेरी त्यागना है, निंदा चुगली त्यागना है, कभी कभी अहंकार आ जाता है अहंकार को त्यागना है, कभी कभी लोभ आ जाता है लोभ को त्यागना है, यानी कि जो बुरी बुराइयां है ना हमारे अंदर उनका त्याग करना है। करोगे ना भाई लोग? आपको भी कह रहा हूं, केवल माताओं माताओं में नहीं है, भाइयों में भी कभी कभी बीमारी आ जाती है नशे करने की, कभी कभी नशा कर लेते हैं, कभी कभी झगड़ा कर लेते हैं, नशा त्यागना। बेवजह का घर में झगड़ा करना भी त्यागना। ये भाई लोग है ना घर में आते ही उदम मचा देते हैं, ये भी त्यागना है, बेवजह झगड़ा नहीं करना। लेकिन ऐसा ना हो कि कल कथा में नहीं आओ, ना जी मैं तो जावा को नहीं, बड़ तो जान दे कि मेरे के में छुटान लग गया। कभी ऐसा ना हो जाए, एक अपना हरियाणा का चौधरी है ना हरिद्वार चला गया, हरिद्वार में हर की पौड़ी में गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करके बाहर निकला, एक पंडित जी ने पकड़ लिया, पंडे ने कहा आजा चौधरी साहब पूजा पाठ करवा पहले। चौधरी ने सोचा चलो आए हैं तो पूजा पाठ तो करना ही चाहिए, जब गंगा स्नान कर लिया है तो पूजा पाठ करने में क्या जाता है। तो चौधरी बैठ गया पूजा करने करवाने के लिए, और जब पूजा पूरी हो गई कुछ दक्षिणा भी दे दिया, तो पंडित जी ने कहा चौधरी साहब कोई भी पहली बार हरिद्वार आता है तो कोई ना कोई पूरी चीज त्यागनी पड़ती है, छोड़ना पड़ता है, तो तुम भी हरिद्वार में आए हो तो एक पूरी चीज त्याग दो। चौधरी ने कहा क्या त्यागूं? का शराब पीना त्याग दे? तो चौधरी ने कहा कभी कभी घूंट मारने का मन कर जाता है, ब्याह शादी में पी लेता हूं, वो तो कौन छोड़ू, वो तो नहीं छोड़ू। तो कहा फिर ये बीड़ी सिगरेट हुक्का पीना छोड़ दे? कई देर सोचने के बाद सोचा इसके बिना तो काम नहीं चले। पंडित जी ने कहा फिर लड़ाई करना झगड़ा करना छोड़ दे? तो चौधरी ने कहा उसके बिना तो बिल्कुल काम कौन चला मारो, लड़ाई झगड़े के बिना। तो पंडित जी ने उसका कुर्ता पकड़ लिया बड़े जोर से, कहा जब तक कुछ छोड़कर नहीं जाएगा तो मैं भी तेरा कुर्ता नहीं छोड़ूंगा, तुझे घर नहीं जाने दूंगा। अब मुश्किल में पड़ गया चौधरी, कई देर सोचता रहा क्या त्यागूं, कुछ छोड़ूंगा नहीं तो झगड़ा हो जाएगा और पंडित जी घर में जाने नहीं देगा, पंडित जी की संख्या ज्यादा है पिटाई कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। और कई देर के बाद सोचने के बाद चौधरी ने कहा ले पंडित जी तू ज्यादा ही करता है ना तो एक चीज छोड़ दूंगा। पंडित जी ने कहा क्या छोड़ेगा? कहा आज के बाद हरिद्वार आना ही छोड़ दूंगा, आज के बाद को नहीं आऊं हरिद्वार, बस ये पहला और आखिरी हरिद्वार आना है। तो मुझे कई बार डर लगता है, मैं जब कहता हूं ना कि गुस्सा छोड़ दो, चुगली चांटी छोड़ दो, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, तो क्या पता कई माता कह दे मैं तड़का हूं कथा में आना छोड़ दिया, मैं तो कथा में को नहीं आऊं। ऐसा तो नहीं है ना। त्याग भागवत का चौथा अक्षर है त, त का मतलब त्याग, और ये त्याग शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है माता बहनों भाई। त्याग हर एक कोई कर नहीं सकता है, लेकिन जिसने त्याग कर दिया अपनी बुराइयों का, अपने
अंतर के विकारों का अपने वीक पॉइंट्स को जिसने बिल्कुल छोड़ दिया, खत्म कर दिया, जीवन में वह सबसे बड़ा महान बनता है। श्रीमद् भागवत कथा की एक शब्द को भी जीवन में आप धारण कर लोगे तो जीवन महान बनेगा, जीवन सुंदर बनेगा। तो ये भागवत का अर्थ समझ आ गया ना? भागवत और त, भक्ति का मतलब परमात्मा से प्रेम, ग का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब हम संसार में क्यों आए, और जब संसार में हमारा समय पूरा हो जाएगा हमें जाना कहाँ है, ये संसार क्या है, परमात्मा क्या है, इन सबको जान लेना इसका नाम है ज्ञान। वह का मतलब वैराग्य, जब अपना और पराया भाव छूट जाए, यदि मेरा कोई है तो पूरी दुनिया मेरी है, और यदि कोई नहीं है तो मेरा अपना कोई नहीं है, ये वैराग्य का भाव। त्याग अपने अंतर के दुर्गुण का त्याग करने का नाम ही त्याग है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे हनुमान जी ने भक्ति की, हनुमान जी ने जो सेवा की वो भक्ति, वो सेवा हमारे अंदर भी आए, हम भी अपने प्रियतम परमात्मा, जैसे हनुमान जी ने राम के लिए, भगवान श्री राम के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, समर्पण भक्ति यदि किसी की है तो वह हनुमान जी महाराज की, और राम जी ने भी उनको आशीर्वाद दे दिया, हे हनुमान मुझसे पहले तेरी पूजा होगी। बोल वीर बजरंग बली हनुमान की। ऐसे थे हमारे हनुमान जी। भगवान राम ने कह दिया हे हनुमान मुझसे पहले तेरी पूजा, और आज पूरी दुनिया में हनुमान जी को राम सेवक के रूप में पूजा जाता है। जा दिन ते वो नंद को छोरा, सपने में बंसी बजाए गयो है, मन ना लागे अब जा जग में, ऐसो प्रेम को रंग चढ़ाए गयो है। महामती प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी महोत्सव के पावन प्रसंग में श्रवण कीजिए परम पूज्य स्वामी श्री राजदास जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा, प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर सिर्फ जय पावस चैनल पर।